और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज 8 रुपए के स्पेनिश स्टॉक के बारे में। बहुत पहले आई थिंक मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको शेयर किए थे कुछ स्टॉक्स जिसमें कुछ बड़ा हो सकता था, ऐसा कुछ मैंने उसके ऊपर बनाया था। और करेंटली जो 8 रुपए का स्टॉक था वो, उसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बतलाऊंगा। एक रीजन तो ये निकल के आता है जो बेसिक रीजन है जो मुझे सिर्फ दिखता है चार्ट और आपके फंडामेंटल एनालिसिस में, वो क्या है आपके सामने है। यहाँ पर प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 15% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर में। और प्रमोटर्स का मतलब मेरे से क्या क्या समझो बात को, प्रमोटर्स प्लस FIIs ने बढ़ाई है। ठीक है, FIIs ने 5% का स्टेक इंक्रीज किया है और प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज किया लास्ट 2 क्वार्टर में। तो ये एक रीजन था लास्ट टाइम स्टॉक रिकमेंड करने का, और वो रीजन दोस्तों काफी बड़ा रीजन होता है किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा लेकिन समझने का प्रयास करना। स्टॉक मार्केट में सिर्फ बेसिक चीजें ही काम करती है, और बेसिक चीजें क्या है भाई, ये समझ लो कि मालिक है, जो मालिक होता है ना प्रमोटर, उसको पता है कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। अगर वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो समझ जाओ फ्यूचर ब्राइट है। अगर वो अपनी होल्डिंग लगातार घटा रहा है, समझ जाओ फ्यूचर गड्ढे में है। समझ गए? तो ये बेसिक इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है वाइल सिलेक्टिंग पेनी स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, या लॉन्ग टर्म या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो। तो ये जो स्टॉक था ये 8 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। कंपनी का जो कामकाज है आप देख सकते हो, ये मैंने एक इमेज कार्ड रखी है, रिक्लेम्ड रबड़ बनाने का काम होता है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब डिटेल में आप खुद चले जाना कि क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, आपको पता है इंडिया में रबड़ का जो कारोबार है कितना बड़ा है, छोटा कारोबार नहीं है। तो मैं आप सीधा आपको स्टॉक का नाम दिखा देता हूँ कि स्टॉक का नाम क्या है। आप देख सकते हो ये रहा, जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, SE पावर लिमिटेड। नाम आपको याद आ गया होगा जो पुराने सब्सक्राइबर है, लेकिन रिलेट, हाँ ये हमने रिकमेंड किया था जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से। जो भी वीडियो बनाए जाते हैं एक इन्फॉर्मेशन, एक जेनरिक व्यू शेयर करने के लिए कि ये स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो, ये रीजन है। ठीक है, और दूसरा आपको अपडेट कर दूं जिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, आज आई थिंक फ्राइडे है और कल सैटरडे होगा, छुट्टी का दिन है। तो मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा संडे को आप सीखिए। ठीक है, आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कुछ, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। VR स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, चैनल है, या मुझे मैसेज कीजिए। हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, प्राइवेट क्लास के लिए उन्हीं व्यक्ति को मिलते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम के माध्यम से। तो अभी के अभी आप वीडियो को शेयर करने के बाद मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एक बार देख सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, यहाँ मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आपके सभी क्वेश्चंस आंसर्स देने का प्रयास करूंगा, और जो भी आपकी प्राइवेट क्लास होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन शर्त है आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा और स्क्रीन शॉट के साथ करना। ठीक है, स्टॉक का नाम आपको समझ आ गया। अब एक बार देख लो कि NSE में कैसा काम काज हो रहा है। यहाँ पर देखो 93% के आसपास का माल लोग घर लेके गए, मात्र 56,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, और 93% के आसपास का डिलीवरी हमें देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ रियल पिक्चर, जिस वजह से स्टॉक मैंने आपको फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था। और देखो कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों मैं बोल देना चाहता हूँ, आप एक बार दिमाग में बात को बैठा लो, बिलो 10 रुपीज पेनी स्टॉक। ठीक है, अगर ये मांग के चल रहे हो आप, इसमें पैसा लगा रहे हो, तो ये समझ लो कि भाई ऑलमोस्ट अगर 10 स्टॉक सेलेक्ट करोगे, 10 में से 8 स्टॉक्स के प्रॉफिट माइनस में होंगे, नेगेटिव में होंगे, लेकिन 2 के प्रॉफिट में होंगे। तो कहने का मतलब कि 8 पेनी स्टॉक आपको डेफिनेटली लॉस दे रहे होंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर भाई मैं 10 रुपए के नीचे के पेनी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, तो भैया मुझे ये रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। पता होता क्या है ना, हम रियलिटी को फेस नहीं करते, हम अपनी चलाते हैं कि यार भैया पेनी स्टॉक हमें रिटर्न कैसे देके जा सकता है जब तक इसके लॉस दे रही है कंपनी, ये प्रॉफिट कैसे देगी, 100% का प्लेज हो रखा है, कैसे अब स्टॉक ऊपर जा सकता है। लोग ये सोच के कभी पैसा नहीं लगाते पेनी स्टॉक में, वो हमेशा बड़े हाथी को छोटे हाथी से कंपेयर करने की सोचते हैं। मतलब बड़ा हाथी क्या, रिलायंस, TCS, क्योंकि उनको यही बताया जाता है भाई कि इन्वेस्टिंग करो बड़े स्टॉक्स में। ठीक है, और जो छोटे हाथी छोटे चींटी होते हैं, ठीक है, छोटे से मात्र छोटे प्राणी बोल सकते हो, जीव बोल सकते हो, जैसे पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी, ठीक है, 2 रुपए के आसपास, 3 रुपए के आसपास, उनके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं आते, सिर्फ लाख रुपए के प्रॉफिट आते हैं, और कभी भी लोग उनके तरफ नजर उठा के नहीं देखते। और यही रीजन बनता है किसी रिटेल का पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाने का। वो क्या करते हैं, गलती एक और गलती करते हैं, ये गलती तो करते करते पेनी स्टॉक पैसा नहीं डालते, दूसरी गलती ये करते हैं कि भाई उनको ना सिर्फ एक या दो स्टॉक दिखाते हैं मार्केट में, कि जैसे यस बैंक, आइडिया,
सुजलॉन, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, यही नहीं स्टॉक के ऊपर वो चर्चा करती जाती है। स्टॉक मार्केट में आप जो भी वीडियोस बनते हैं सब इन्हीं स्टॉक के ऊपर बनते हैं, ठीक है, और दूसरे पैनी स्टॉक के ऊपर कभी वीडियो बनते ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ नाम का स्टॉक भी है, ऐसा कुछ नाम का भी स्टॉक है, ऐसा कुछ नाम का स्टॉक भी है जो आपको मात्र एक साल के अंदर 900% का गेन दे रहा है, ऐसा कुछ नाम का स्टॉक भी है जो मात्र एक साल में 1000% का गेन दे रहा है, कुछ ऐसा स्टॉक भी होता है मार्केट में, कैसे पता चलेगा? क्योंकि भैया अगर आप टीवी देखते हो, टीवी में आपको बड़े बड़े स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की जाती है, छोटे स्टॉक के ऊपर कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा ब्रो, आप खुद की रिसर्च करो और दिमाग में हमेशा खोल के दिमाग रखो कि भाई मुझे जो स्टॉक मैं देखने वाला हूँ उसमें मुझे कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेगी। आपको कमियों की तरफ फोकस नहीं करना है, आपको आप जो स्टॉक है ना उसमें जो अच्छी चीजें निकल के आ रही है या फ्यूचर में आ सकती है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। वो एक अच्छी चीज, भाई प्राइस 1 रुपए से ना 100 रुपए हो जाता है उस एक अच्छी चीज की वजह से। क्योंकि भाई होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट में देखो भेड़ चाल है, जब स्टॉक यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पड़ा रहता है, इधर पड़ा रहता है 1 रुपए के आसपास, तब तो कोई बाय नहीं करता। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस पंप होना स्टार्ट होता है ना, ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, तो भाई आपको एक एक वीडियोस इसी स्टॉक के ऊपर दिखेंगे, एक एक न्यूज आर्टिकल इसी स्टॉक के ऊपर दिखेंगे, आपको एक एक टीवी चैनल इसी स्टॉक पर बात करेंगे। तो भाई जब भेड़ चाल चलेगी, चलना स्टार्ट होगी, तो सब बंदे पैसे डालना स्टार्ट होंगे, तो स्टॉक का प्राइस पंप होना तय है। और जब पंप होना तय होता है तो भैया ऑपरेटर भी वहीं आता है, क्योंकि ऑपरेटर को फंसाना होता है रिटेल को। और भाई जब स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ेगा, ठीक है, ऑपरेटर पैसा डालेगा तो प्राइस ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है। और जब उसको गिराना होगा वो चुटकी मार के गिरा देगा और रिटेल फंस जाएगा। इसलिए बोलता हूँ जब भी किसी पैनी स्टॉक को बाय करो तो जब स्टॉक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तब स्टॉक को एक्युमुलेट करा करो। आई नो ये जो स्टॉक है अभी अपर सर्किट में, लेकिन ये स्टॉक भी अभी अपने जो रेंज है उससे काफी ऊपर नहीं भागा है। आप चार्ट देख लेना आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है, अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। प्रमोटर होल्डिंग देखो इंक्रीज हुई है, मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ ना, यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो, यहाँ देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% से 35% हो गए लास्ट 2 क्वार्टर्स में, ठीक है। 10% का जंप देखने को मिला है। एफआईएस की होल्डिंग देखो 7 से 12 हो गई, देखो यहाँ 16 से पहले 12 हो गए, आई नो वो भी फिगर है, लेकिन यहाँ देखो 7 से 12 हो गई दोबारा से। तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना स्टॉक में। अब आप बोलोगे कि यार पब्लिक से किसी को प्रमोटर बना दिया, ठीक है, पब्लिक से किसी ने एफआईआई बना दिया, वो तो मैटर नहीं करता, हमें जो भी रियल पिक्चर दिख रही है वो आपको बता रहा हूँ। और रियल पिक्चर ये दिख रही है कि प्रमोटर एफआईआई ने आपकी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ाई है। और मैं आपको कौन सा कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए लगा दो, भाई अपनी खुद की रिसर्च करके छोटा मोटा पैसा लगा दो, ठीक है, और अपनी खुद की रिसर्च पक्का ऐड करना। मेरा भरोसा नहीं कि स्टॉक में पैसा लगाऊंगा या लगाऊंगा, ठीक है। तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। डेफिनेटली अगर हो सके तो इस ऐसी पावर शेयर को भी आप नजरों में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा आपको बांध के दे सकता है। बाकी देखो आप प्लीज खुद की रिसर्च ऐड करना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति का 1 रुपए का सिंगल पैनी का लॉस हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, मैं जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यही मेरा काम है और यही आपके लिए मैं करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।